हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं खुशी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज इतना शानदार मौसम हो रखा है ना, बड़ा ही सुहावना सा, और दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तो हमने सोचा कि चलो इस मौसम का मज़ा लिया जाए, थोड़े से हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। और जा रहे हैं हम एक बहुत ही मस्त ही अमेजिंग सी गाड़ी में, जो है टाटा की सफारी गाड़ी। तो इसका भी रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे भाई साहब ने ली है, तो मैं उनसे कुछ पूछूंगी इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको भी जानना है तो ये वीडियो जरूर से लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत ही मस्त वाली गाड़ी है, बहुत मज़े आने वाले हैं। और मैं तो इस गाड़ी में बैठ के बहुत इंजॉय कर रही हूँ, साथ में बारिश का मज़ा ले रही हूँ, इतनी शानदार बारिश हो रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और आप बने रहिए मेरी वीडियो में। तो ये देखिए, ये है सनरूफ, बट ये अभी हम खोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसमें सेंसर ऐसा लगा हुआ है कि जब बारिश होती है तो ये ओपन नहीं होता है, तो जब बारिश रुकेगी तो मैं दिखा पाऊंगी, तो आपको अच्छे से ज़रूर से दिखाऊंगी। और बाहर का मौसम ये देखिए, क्या मज़ेदार मौसम हो रखा है, इतना सुहावना सा प्यारा सा मौसम है। और ये है हमारी अच्छी सी सुंदर सी प्यारी प्यारी सी गाड़ी, देखिए तो ये 7 सीटर गाड़ी है। आप अपनी फैमिली के साथ सारे एक साथ एंजॉय कर सकते हैं, इसमें घूमने जा सकते हैं अच्छे से मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, 7 सीटर है, कंफर्टेबल है। और साथ में सेफ्टी फीचर भी अभी बताएंगे भाई साहब कि कहाँ कहाँ इसमें ये लगा हुआ है। और सेफ्टी, और साथ में पूछ लेती हूँ कि सुरेश जी कब दिलवा रहे हैं मेरे को ये वाली गाड़ी? बिल्कुल जल्दी दिलाएंगे, अभी एक बार इसका आनंद ले लें। काफी एयर बैग से, वैसे तो आपको भी पता होगा कितनी एयर बैग है यहाँ पर, पीछे इधर भी है, फिर आगे पिलर पे, हर सीट पर एयर बैग है यहाँ पर इस साइड में। हेलो किट्टू, एसी है ना यहाँ भी, एसी सीट पर भी, सनरूफ काफी बड़ा है, और JBL का स्पीकर। ये पैनोरामिक सनरूफ है और इसको एक्चुअली रेन सेंसिंग है, सो मैं इसको अभी खोल ही नहीं पा रहा है। ये बस अभी एक टिल्ट व्यू आपको दिख रहा है, बट वो भी देखो आप ऑटोमेटिक बंद हो गया, ठीक है। और इसको मैं कितना भी खोलने की कोशिश करूँ ये खुलेगा ही नहीं, ये तुरंत बंद हो जाएगा। अरे वाह, खुल गया। करना ही पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा। वो तो फिर आधा ही हो पूरा, नहीं टिल्ट वाले में उसने किया है। अच्छा अच्छा, बट ये आई थिंक जो भी हो यानी फिर भी हम कोशिश करेंगे तो ओपन हो जाएगा। दोनों ऑप्शन दिया है, दोनों ऑप्शन आई थिंक बारिश का मजा लेने के लिए। कोई नहीं, हम अब फिर इसको बारिश में घुमाएंगे। जैसे कि हम जान रहे थे कि ये रेन सेंसिंग इसको बंद हो जाना चाहिए। ये टिल्ट वाला, ये टिल्ट वाला अपने आप, ये भी अभी नहीं हुआ, बंद हो रहा है। ये देखो अपने आप बंद हो रहा है, फिर इसे हाँ ये अपने आप बंद हो रहा है, ये भी होना चाहिए इसको। मुझे लगता है थोड़ा टाइम देंगे तो बंद हो जाएगा ये। चलो ठीक है। और यहाँ पर ये स्पीकर है क्या? वैसी डिजाइन है, स्पीकर है, और
और भी आपको सिस्टम इसमें, ये देखो मिरर जो है नाइट विजन के साथ है, ठीक है, रात को ऑटोमेटिक ये अपने आप नाइट विजन में चला जाता है मोड में, ताकि पीछे से गाड़ी अगर कोई तेज लाइट भी मार रही है अब उसमें डिस्टर्ब नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर बटन कौन सा दिया है इसमें? ये बटन है, इसको अगर मैं ऑफ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ गाड़ी में, ये अब मैंने नाइट विजन को बंद कर दिया। अच्छा, नाइट विजन बट ये ऑटो मोड पे मैंने डाल के इसको छोड़ दिया है, वो अपने रात दिन में वो बंद हो जाती है और रात में वो अपने, अभी जैसे आप क्लियर देख रहे हैं बट रात में ये फिर क्या होगा कि नाइट विजन मोड में जब चला जाएगा पीछे से लाइट लगाएंगे वो नहीं गिरेगा, नहीं इसमें, ठीक है। ये भी वाइपर जो है रेन सेंसिंग है, मैंने इसको ऑटो मोड में डाला हुआ है, ऑटो मोड में जैसे ही बारिश कम होती है या स्पीड, जैसे मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा और उस पर तेजी से बारिश का रेनफॉल होगा तो उसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। और इसमें ये भी आपका जो सेफ्टी फीचर है सीट बेल्ट वाला, वो भी जी सभी सीट पे ये 7 सीट वेरिएंट है, एक इसमें 6 सीट वेरिएंट भी आती है, 3 है जी और पीछे फिर 2 है, तो 2, 3 और 2 टोटल 7 आपके सीट बेल्ट दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आपको सीट बेल्ट की कमी महसूस नहीं होगी इस गाड़ी में। तो ये टाटा ने सेफ्टी फीचर बनाया है, तो बाहर की सेफ्टी भी है और अंदर की सेफ्टी भी है। और बिल्ड क्वालिटी तो क्या जवाब नहीं है, इसके गेट का साउंड भी जब आप सुनेंगे और ये भी इसका बढ़िया सिस्टम देखा ना, ऑटोमेटिक स्प्रिंग लगा हुआ है कि आप पकड़ोगे तो ऐसे और छोड़ते ही वापस बंद हो रहा है ना, प्लस ये लाइट भी दिया हुआ है ना, तो लाइट भी सब सीटों पे है, सब सीटों पे लाइट है, इवन के जो भी है ना एसी कंट्रोल भी है वो लास्ट रो तक है। लाइट ऑन करना बेटा, ये देखो मिडिल सीट पे लाइट है, गुड, दोनों तरफ लाइट दी हुई है मिडिल सीट पे, इधर भी और यहाँ भी, और ये एकदम स्लो बंद है, और ये ऑटोमेटिक बंद होने वाली सीट जो 33rd रो है उसमें भी देखिए 2 सीटें हैं, दोनों पर सीट बेल्ट है और एसी कंट्रोल भी लास्ट रो पर है। अच्छा, एसी कंट्रोल भी है, अच्छा 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 ठीक है। ये देखिए 3rd रो में भी एसी कंट्रोल है, बहुत ही मस्त, यह एसी आउटलेट है 3rd रो का दोनों तरफ देखिए, और यहाँ भी ये देखिए 3rd रो में भी आपका USB चार्जर दिया हुआ है, पीछे स्पीकर भी है और 3rd रो पे भी लाइट भी है, देखिए आईफोन भी इससे कनेक्टेड है, इससे मेरा आईफोन कनेक्टेड है एप्पल कारप्ले, तो एंड्रॉयड और आईफोन कनेक्ट आप इससे कर सकते हैं। इसमें मैं सारे कंट्रोल मोबाइल से कर रहा हूँ, सॉन्ग वॉन्ग सब कुछ को देखिए, जैसे अभी सुरेश जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू, मैं इसको एक्सेप्ट करके, हेलो सुरेश जी, हेलो सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो आप टाटा का एक देखिए बहुत ही मस्त सा फीचर है, आप यहीं से ऐसे बातें कर सकते हो, आपका फोन कनेक्ट हो जाता है यहीं से, कॉल रिसीव के लिए जी, कॉल रिसीवर्स मल्टीपल फंक्शन है इस पे, साथ में क्रूज कंट्रोल भी है, मैं इसके थ्रू देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, क्रूज कंट्रोल मैं ऑन करूँगा तो ये क्रूज कंट्रोल साइन, ये साइन क्रूज कंट्रोल का कर दिया है, यहाँ पे क्रूज का सिंबल आ गया नीचे, और अब मैं इसमें अपनी स्पीड लिमिट को फिक्स कर सकता हूँ। जब मैं अभी स्पीड पे लाऊंगा एक्सप्रेसवे पे तो मैं एक्सेलेरेटर से पैर हटाकर क्रूज कंट्रोल आपको दिखाऊंगा, मैं 60 के या 70 के स्पीड पे गाड़ी को फिक्स करके और वो कॉन्स्टेंट उस स्पीड पे चलती रहेगी, यानी आप अगर एक्सेलेरेटर पैर नहीं दबाओगे तो भी वो अपनी स्पीड से चलती रहेगी, और ब्रेक मारने पे ही वो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट होता है। Okay. मैं स्पीड अगर इंक्रीज करूंगा एक्सेलेरेटर से तो क्रूज कंट्रोल सेट रहेगा। Okay. वो डिसेबल नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, पैरों की एनर्जी बचती है, कंफर्ट मोड है। तो उसके बाद ये फीचर आपको बताता हूँ, आप जनरली गाड़ी में देखते हैं हैंड ब्रेक मैनुअल, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, मैं यहाँ पे चलाते हुए गाड़ी को अभी यहाँ पे ये इनेबल कर दिया, ब्रेक मारकर यहाँ पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो गया, मैं डिसंगेज करता हूँ और फिर से इसको लगाता हूँ, अब ये बता रहा है मुझे पार्क ब्रेक अप्लाइड हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा फीचर है ऑटो होल्ड, जब मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी को चला रहा हूँ
और ट्रैफिक में बार बार मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ रहा है, तो मैं इसको ऑटो होल्ड पे अगर डाल देता हूँ, ठीक है, ऑटो होल्ड इनेबल अगर कर देता हूँ इसका, उसके बाद मैं ब्रेक से पैर हटा दूंगा तो भी गाड़ी खड़ी रहेगी हिल पे। तो ये हील असिस्ट है, वो नॉट ओनली फॉर हील असिस्ट, मतलब मैं जब भी इसको यूज करता हूँ ट्रैफिक में, जब बुरी ट्रैफिक होती है कहीं पे खड़े करना पड़ता है गाड़ी को, मैं ऑटो होल्ड लगा के ब्रेक से पैर हटा के गाड़ी अपने पैर को रिलैक्स करता हूँ। ये है इसका बेनिफिट। और इसका ये जो इंटीरियर आप देख रहे हो, मार्बल फिनिश है इधर गोल्डन कलर में, तो ये भी बहुत ही शानदार है। कैमरा क्वालिटी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पार्किंग ये सारी कंफर्ट लेना चाहते हैं तो कौन सी गाड़ी लेनी पड़ेगी? टाटा की सफारी। जो सुरेश भाई लेने जा रहे हैं। बता दो, आज फाइनल कर दो। अभी आज पूरी गाड़ी सपना लेना शुरू किया है। नहीं, मेरा तो बहुत टाइम से सपना है। और इसके बेबी वेरिएंट से मिलेंगे हम, पहले इसका एक्सटीरियर देख लेते हैं। ये देखिए स्टार्ट बटन है यहाँ पे, इसको मैं ब्रेक मार करना, मेरे कीलेस एंट्री है की, लेकिन मेरे पास होना चाहिए, बस गाड़ी स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट ऑफ भी इसी से हम कर सकते हैं, वन क्लिक स्टॉप। देखिएगा भाभी, एडिट करना होगा। तो अभी मैंने आपको इंटीरियर दिखाया और अब गाड़ी को बाहर से दिखाती हूँ कितनी शानदार दिखती है। आज थोड़ी बारिश अच्छी वाली आ रही है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देखिए, तो ये 7 सीटर गाड़ी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जा सकते हैं कहीं भी घूमने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे भाई साहब फोटोग्राफी करते हुए। तो आप बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको फील करवाती हूँ गाड़ी। हो गई फील? आप फील करो। ये 18 इंच टायर, ठीक है, चारकोल ब्लैक अलॉय व्हील है, 18 इंच है, काफ़ी बढ़िया मजबूती आपको दिखता है। ये सारा कुछ गोल्डन में है, वाइट गोल्ड कलर है, अदरवाइज ये क्रोम में होता है मोस्टली हर गाड़ियों में। ये रेल पे भी आप देख सकते हैं सफारी लिखा है पूरा गोल्डन में। और ये डुअल टोन कलर है, ये वाइट है और ये ब्लैक ब्लैक है। ये बैच भी है जो टाटा का, और आगे टाटा का बैच जो है वो भी गोल्डन कलर में है, प्लस ये सिंबल जो है, मतलब ये जो सफारी लिखा है भी वो भी गोल्डन में। डिक्की खोल के देख सकते हैं क्या? हाँ, वाइट ब्लैक गोल्डन। बूट स्पेस भी देख लेते हैं इसका, इसमें ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्योंकि थर्ड रो आ गई ना। हाँ, देखिए इसके काफ़ी भारी है, बूट स्पेस ज़्यादा नहीं है, बट इसको हम फ्लप कर सकते हैं इसको। हाँ, दिखा दो बेटा, ये अच्छा, उसमें भी साइड रो हो जाता है, ये दोनों का दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर बैग्स वगैरह रख सकते हैं और या सीट के ऊपर भी रख सकते हैं आगे, जी दोनों का दोनों एक साथ हो जाता है। अच्छा, इसकी स्टेपनी कहाँ है? स्टेपनी नीचे है। अच्छा अच्छा, स्टेपनी नीचे है, तो ये भी एक स्पेस बचा रही है ना। पीछे से भी आप इंटीरियर देख सकते हैं।
अंदर तो काफी लंबी गाड़ी लग रही है। कैसा फील होता है भैया? गाड़ी चलाने में तो आनंद आ गया। मतलब मैं पहले छोटी गाड़ी रखता था, मेरी सेंट्रो थी, मैं सेंट्रो से सीधा टाटा सफारी पे आया। सेंट्रो मेरी प्यारी गाड़ी है और इसको चलाने में मुझे बहुत मजा आता है। ये मैंने ऑटोमेटिक ली है, मैंने फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक ड्राइव का एक्सपीरियंस किया है और मुझे लगता है कि इतने बड़े एसयूवी में ऑटोमेटिक फीचर होना चाहिए, बिकॉज इससे ड्राइविंग इतनी आसान हो जा रही है। मैंने देखा है इसको चलाकर रिवर्स वगैरह करते समय भी, जो इसकी रिवर्स सेंसिंग कैमरा एंड पार्किंग सेंसर है, जिसके कारण मेरी रिवर्स में भी ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ है और फ्रंट पे तो है ही बिल्कुल ऑटोमेटिक के कारण ट्रैफिक में कोई लफड़ा नहीं रहता, जैसे पैर वैर थकते नहीं। मैंने आपको फीचर भी दिखाया ऑटो होल्ड वगैरह का, तो उससे क्या होता है कि हमारा पैर नहीं थकता, जर्नी काफ़ी लंबी भी आप स्मूथली कर सकते हैं। तो ये तो है फीचर और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार है। टर्बो चार्ज इंजन के कारण पिकअप भी काफ़ी अच्छी लेती है। मैं हर तरह के मोड का मज़ा लेता हूँ। जब ट्रैफिक में चलाना होता है तो इको मोड भी लगाता हूँ, सिटी मोड भी लगाता हूँ, और एक्सप्रेस वे पर जब काफ़ी पिकअप में चलाना होता है तो स्पोर्ट्स मोड पर भी गाड़ी में चलाता हूँ। गाड़ी काफ़ी टाटा को आप थैंक यू बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू बोलता हूँ। टाटा ने बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, बहुत प्यारी गाड़ी बनाई है। तो सुरेश जी जब भी दिल्ली से वापस जब आते हैं ना, तो हमेशा ही कहते हैं कि मेरे पैर दुख रहे हैं। तो फिर आपको तो ये गाड़ी लेनी बनती है। पहले मैं कई बार सोचता था कि यार अगर ऑटो गाड़ी है ऑटोमेटिक वाली, हो सकता है थोड़ी पावर कम देती हो, बट आज इसमें बैठी है लगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी ली जा सकती है, बट वो होनी चाहिए टाटा सफारी। सुरेश जी को जल्दी टाटा सफारी लाए उनको। बताइए अंदर उसमें रफ मोड वो एक अलग एक्स्ट्रा मोड भी है जो रफ मोड एंड वेट मोड है। जैसे अगर गीली सड़क है तो हम वेट मोड पे भी एक एडिशनल फीचर है, वेट मोड पे भी गाड़ी को डाल सकते हैं, जो कि अच्छा इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करता है गाड़ी को। और दूसरा है कि रफ मोड, जैसे रफ मोड पे गाड़ी काफ़ी आप चाहते हैं कि कम्फर्ट से सफ़र करें तो रफ मोड भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप ऑफ रोडिंग वगैरह का मजा ले सकते हैं। थैंक यू, आपने गाड़ी के बारे में बताया और सुरेश जी और सुरेश जी को मोटिवेट किया। आप बैठते हैं अंदर, नेक्स्ट गाड़ी का वीडियो शूट करते हैं, शूट ले लेती हूं। की देखिए, इसका ये की है टाटा सफारी की, जिसमें कि ये लॉक अनलॉक बटन, लाइट कंट्रोल और फिर ट्रंक ओपनर है, डिकी को ओपन कर सकते हैं यहीं से ही ना। दूसरा एक और आपको दिखाता हूँ, इसकी एक ऐप है जिसमें मैंने कैसा ड्राइव किया है सब कुछ ये मुझे बताता जाता है। IRA ऐप, जो कि गाड़ी ना इस पर डाटा सेंड कर रही है। अच्छा। ये मुझे सब कुछ बता रहा है कि मेरी गाड़ी अभी कितनी चलने वाली है, मेरे पर्सनल, जैसे कि मेरा ड्राइविंग बिहेवियर देखिए कितना अच्छा है, 8.7, जिसमें मेरा एक्सेलरेशन का रेटिंग देखिए, ब्रेकिंग रेटिंग देखिए, मेरी गाड़ी की सेफ्टी, और मैं फ्यूल थोड़ा ज़्यादा खपत कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी मोड पे नहीं चला रहा इसको, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा ड्राइवर भी बनाती है, क्योंकि आपको देखती रहती है, अगर आपने रफ चलाई तो आपकी वाइफ को पता लग जाएगा। वो तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी सी हमारी गाड़ी है टाटा की, बहुत ही मस्त सी अमेजिंग सी गाड़ी है, खूबसूरत। गोल्डन ये ग्रिल दिया हुआ है यहाँ पर फ्रंट में और वाइट कलर, स्ट्रेंथ आप फील कर सकते हैं। और रिदम इधर दिखा, और है ना, मेरा तो सुरेश जी आप साइड में हो तो मेरा तो इस गाड़ी पे दिल आ गया है कि छोड़ दो। इतनी मस्त गाड़ी है ना, बस मेरे को तो नेक्स्ट वाली गाड़ी यही चाहिए। ठीक है, फाइन, खरीद लो, अभी खरीद लो, चलो पूरा बुक करके आते हैं।